दुर्ग पुलिस ने सुपेला वैशाली नगर स्मृति नगर क्षेत्र के सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के जेवर को बरामद भी किया गया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीते कई दिनों से सुपेला वैशाली नगर स्मृति नगर क्षेत्र में सोने मकानों में दबिश देकर चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। आरोपी चोरी किए जेवरातों को परिचितों के माध्यम से सोना चांदी गलाने वालों को बेच दिया करते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी में एंटी क्राइम साइबर यूनिट दुर्ग ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस मामले की जानकारी दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दी। सुपेला स्मृति नगर थाना क्षेत्र में होने वाली 5 चोरियों का खुलासा किया गया, जिसमें 5 चोरी करने वाले, जिसमें एक नाबालिग बालक है और 3 चोरी का सामान गलाने वाले, इन 8 लोगों की आज गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 8 लाख का मशरूका जो है वो जब्त किया गया, जिसमें गोल्ड के ऑर्नामेंट, सिल्वर के ऑर्नामेंट, TV, महंगे कपड़े सभी जब्त किया गया है। ये सारे 17 साल से लेकर 25 साल के बीच के युवक थे। ये सभी नशे के आदि थे, सभी जुआ भी कभी कभी खेला करते थे और पैसे की लालच में इनके द्वारा जो है इस तरह की चोरी को अंजाम दिया गया। ये 2 से 3 दिन रेकी करते थे। इनकी रेकी की टीम अलग थी, चोरी की एक टीम थी और एक गलाने की टीम थी। तीनों टीम में ये लोग काम करते थे। ये अभी पिछले 1.5-2 वर्षों से चोरी का काम कर रहे थे। इनसे जहाँ ये गलाते हैं उनकी भी पता चला है, जहाँ ये चोरी करते हैं जो मॉड्यूल में बाकी लड़के हैं उनका भी पता चला है। आने वाले समय में और भी चोरियों का खुलासा किया जाएगा और भी चोर जो है पकड़े जाएंगे। बहरहाल घटना में एक अपचारी बालक के शामिल होने की जानकारी भी मिली है। मामले में पुलिस की कार्रवाई सराहनीय रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।